अगर रेहान का हक मारा गया तो ये घर कभी बच्चों से आबाद नहीं होगा। अगर मेरे रेहान की हाय लग गई ना तो ये घर तो सूना हो जाएगा। यहाँ पर तो ना बच्चे पैदा होने से पहले ही मर जाएंगे। इसीलिए किसी की आह नहीं लेनी चाहिए, वरना तमाम उम्र ये घर पोता पोती की आवाजें सुनने को तरस जाएगा। चुप कर जाओ! चुप कर जाओ! अल्लाह के वास्ते चुप कर जाओ! मैं डर नहीं लगता अल्लाह से, वो सब देख रहा है। क्या अमल लेकर जाओगी बोलो? अभी तो जिंदगी का सोच रही हूं ना। और मेरे नामा माल की ना आप तो फिक्र ही ना करें। आप तो ना बस रिहान के बारे में सोचें। बेचारा पता नहीं कहां होगा मेरा बच्चा, कुछ खाया भी होगा कि नहीं। क्या हो रहा होगा, सोचे मनाए उन्हें। आप तो ना बस रिहान के बारे में सोचें। बेचारा पता नहीं कहाँ होगा मेरा बच्चा, कुछ खाया भी होगा कि नहीं। मेरे बाप, नारो बस कर दे। अबे यार ये क्या मुसीबत है, पिछले 24 घंटे से इसका बाजा बजे ही जा रहा है। इतना तो कभी मुझे पुलिस ने नहीं थकाया, दो दिन में जितना इस बच्चे ने थका दिया। और सर इससे पहले ये रो रो के पूरे मोहल्ले को अपने होने की खबर दे दे, खुदा के लिए इसे चुप करा लो। अबे मैं क्या इसकी अम्मा हूँ जो इसे चुप करवाऊँ? उस्ताद इसे भूख तो नहीं लगी? अबे तुझे बड़ी फिक्र हो रही है इसकी। अबे चुप कर जा, चल ये ले कम से कम एक पाव दूध ले आ इसके लिए, ताकि इसका रोना बंद हो जाए। जल्दी जा भागता वो, जल्दी ला। अबे यार तू ही संभाल इसको यार। हाँ बोलो। बेतबारी कैसी, मेरा बच्चा है तुम लोगों के पास? Thank you.
इतनी रात में किससे बात करी है? यकीनन जिससे बात करी है रेहान उसी के पास है। मुझे किसी भी तरह रोही के मोबाइल से पता लगाना है कि रेहान कहाँ है। आज सारा दिन मसरूफ थी इसलिए फोन नहीं कर सकी। चल आवाज सुना दे मुझे उसकी, कैसा है वो? हेलो, काम मर गया? कुछ कह रही हूँ मैं, आवाज सुना मुझे उसकी। अरे मैडम, बड़ी मुश्किल से सुलाया उसे। अगर वो जाग गया ना तो पूरा मोहल्ला नहीं सो पाएगा। एकदम ठीक है आपका बच्चा, एकदम ठीक। मेरे बच्चे का ना ख्याल रखना, वो तो मजबूरी थी मेरी कि तुम जैसे गुंडों के हाथ अपना बच्चा छोड़ना पड़ा मुझे। खैर अगर रूही अपने मकसद में कामयाब हुई ना, माला माल कर देगी तुम लोगों को। बस मेरे बच्चे का ख्याल रखना अपनी जान से ज्यादा, समझ गया ना? सुबह फोन करूंगी, अब फोन उठा लेना टाइम पे। ठीक है। कहीं इसने मुझे देख तो नहीं लिया? मेरे बच्चे का ना ख्याल रखना, वो तो मजबूरी थी मेरी कि तुम जैसे गुंडों के हाथ अपना बच्चा छोड़ना पड़ा मुझे। खैर अगर रूही अपने मकसद में कामयाब हुई ना, माला माल कर देगी तुम लोगों को। बस मेरे बच्चे का ख्याल रखना अपनी जान से ज्यादा, समझ गया ना? सुबह फोन करूंगी, अब फोन उठा लेना टाइम पे। अनीशा, क्या हुआ, दिखाओ। जख्म को यूं खुला नहीं छोड़ते, मैं तुम्हारी मरहम पट्टी करता हूं। छोड़ देने वाले इसमें मरहम की उम्मीद नहीं रख सकते। कितनी सख्त जान हो गया। तुम जानती हो, पहले ऐसा लगता था कि अगर किसी दिन तुम्हारे दिल से मेरी मोहब्बत निकल भी गई तो जिंदा नहीं रह पाऊंगा। आज देखो भाई बेरुखी को कैसे
ढिठाई के साथ सह रहा। लाओ मैं पट्टी करता हूं। छोड़े इसे, मैंने कहा ना मैं ठीक हूं। मैं जानता हूं तुम्हें मुझसे बहुत नफरत हो गई है। लेकिन मुझसे लड़ने झगड़ने के लिए हम दोनों के पास सारी जिंदगी पड़ी है। इस दौरान अपने आप को तकलीफ मत पहुंचा। हाँ, सहने वाली तकलीफ भी मैं सह चुकी हूं। ये तो कुछ भी नहीं है। चलाओ मैं, मुझे मैंने आपसे कहा ना कि मैं ठीक हूं, जरूरत नहीं है इसकी। अनीशा, मैं तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहता। मुझे मजबूर मत करो कि मुझे ऐसा करना पड़े। कितनी बार बोलूं कि मेरी फिक्र मत करें। मैं तुम्हारी फिक्र अपनी मोहब्बत में कर रहा हूं। मोहब्बत कसूर तुम्हारा नहीं है, मेरी ये किस्मत मेरे खिलाफ चल रही है। आकर भी तुम्हें अपनी मोहब्बत का यकीन नहीं दिला सकता। हाँ, लेकिन इस बात का यकीन है मुझे, एक दिन आएगा जब तुम जान जाओगी मेरी नीयत में कोई खोट नहीं। मोहब्बत में सिर्फ सच्चाई थी। दवाई ला रहा हूं, खुद मरम कर लेना। रो ले, गिड़गिड़ा ले, पांव पकड़ ले बिश्त। लेकिन ये थोड़ी बताऊंगी कि रेहान कहां है। हाँ, मेरा मुतालबा मान लें तो फिर बता सकती हूँ। और वैसे भी अगर रेहान से इतनी मोहब्बत है आपको, तो अपने शौहर को राजी कर लेना मुझसे शादी करने के लिए। अपने हाथों से मुझे दुल्हन बना के सजा कर इस घर में ले आए। वैसे भी अब आपकी मोहब्बत बढ़ तो चुकी है, रहता ही क्या है उस मोहब्बत में, तो शादी करना कौन सी बड़ी बात हो गई। आप मना लें उन्हें, अब रेहान के लिए इतना तो कर ही सकती हैं आप, है ना, हमारे रेहान के लिए। तुम्हारे अंदर ना कोई हया है और ना ही कोई शर्म। हम रेहान की वजह से इतना परेशान है, ठीक से सो भी नहीं पा रहे, और तुम यहाँ पे आराम से बैठ के नाश्ता कर रही हो। ना तो आप लोगों ने क्या कर लिया पूरी रात जाकर, किसी नतीजे तक पहुंचे हैं? बहुत ही बेहिस्मा हो तुम। अपनी औलाद को बेसाकी बनाकर जिस मंजिल तक तुम पहुंचना चाहती हो ना, वहां पर तुम कभी नहीं पहुंच पाओगी। पुलिस तुमसे सब कुछ गुलवा लेगी।
कि रेहान कैसा है और तुमने उसे कहां छुपा के रखा हुआ है। पुलिस की धमकी दे रही है, वो भी मुझे। चलो मान लिया कि पुलिस ने सवाल किया मुझसे कि रेहान कहाँ है, मैं जवाब दे दूंगी, लेकिन उसके बाद के 10 सवालों के जवाब कौन देगा? इतनी हिम्मत है आप में? पुलिस पूछेगी कि वो कौन है, क्या रिश्ता है आपका उससे? रेहान इस दुनिया में कैसे आया, क्या जवाब देंगे? है कोई जवाब? चलो मैं तो बेगैरत, बदलिहाज, बदजुबान, सब कुछ मैं, मेरे लिए जिंदगी गुजारना इतना मुश्किल नहीं होगा। अपने बारे में सोचें, आप लोग इज्जतदार लोग हैं, क्या जवाब देंगी आप सबको? क्या कहेंगी कि आपके बेटे से क्या गलती हो गई, क्या किया उसने? किस किस बात का जवाब देंगे? मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहेंगे आप। आपके बेटे ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। क्या बताएंगी लोगों को? आप तो शुक्र अदा करें कि मैंने अभी तक अपने हक के लिए कानून का दरवाजा नहीं खटखटाया। कौन सी मनहूस घड़ी थी जो तुम्हारे कदम इस घर में पड़े थे? वही गुस्सा। वही नफरत, वही धिक्कार। का बड़ा बेटा ना आप पर ही गया है। उसकी भी नफरत खत्म नहीं होती मेरे लिए। जबकि पोते की शक्ल देखने के बाद ना आप लोगों को मेरे पैर धो धो के पीने चाहिए थे। बड़े नाशुक्रे लोग हैं, क्या ही उम्मीद करे कोई आपसे। सारा नाश्ता बर्बाद कर दिया मेरा। जा रही हूँ अपने कमरे में। वैसे पुलिस को फोन आप करेंगी या मैं? मुझे बता दीजिएगा। रेहान को देख, जीता जागता सबूत है कि मैं तो अनीशा की जगह ले चुकी हूँ। और अपने बेटे को समझाने के बजाय कि वो मुझसे निकाह कर ले, इस थप्पड़ से मेरा मुंह बंद करवाना चाहती हैं आप? भूल जाओ कि साथ तुमसे शादी करेगा, तुम्हारा साया भी ना मैं उस पर पड़ने नहीं दूंगी। साथ की बात कौन कर रहा है? मैं तो मुन्ने के जायज बाप की बात कर रही हूँ, मुराद की बात कर रही हूँ। तुम्हारी इतनी जुर्रत? आपने मेरी जुर्रत भी देखी और मेरी हिम्मत भी। ताकत देखना बाकी है, वो भी जल्द दिखा दूंगी। कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा। मेरी हालत एक ऐसे छोटे बच्चे की तरह हो गई जो जिंदगी के किसी बहुत बड़े इम्तिहान में फेल हो गया। इस वक्त मुझे आपकी सपोर्ट की जरूरत है माँ। मैं जानता हूँ मैंने आपको, डैड को, अनीशा को, सबको बहुत हर्ट किया है, तकलीफ पहुंचाई, लेकिन मैं अकेला ये झंड नहीं लड़ सकूंगा। मैं
अपने बेटे की गलती को फितरत का नाम देकर उसकी अय्याशी पर पर्दा डाल रही है। बदचलन औरत कभी मर्द बर्दाश्त नहीं करता और बद किरदार मर्द औरत बर्दाश्त नहीं करती। मुझे अपनी बहू से कोई गिला नहीं है, वो एक बेहतरीन बहू है। उसने इस घर को एक करके रखा, मुराद का ख्याल रखा, रिश्तों को समझा और तुम्हारे बेटे ने उसके खलूस और अपनाइयत का ये सिला दिया। तुम अनीशा की तकलीफ का एहसास इसलिए नहीं कर पा रही कि तुम्हें अपने बेटों का गम है। सच्ची बात तो यह है कि तुम्हारे बेटे ने अपनी बसी बसाई जिंदगी को खुद आग लगाई है। रूही को पुलिस की धमकी देंगे, रूही ने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली है। देख तू कैसे पहुंचते हैं रेहान तक। बड़े आए नहीं मिलेगा रेहान इनको, जब तक रूही नहीं चाहेगी किसी को रेहान नहीं मिलेगा। किस बात की जल्दी है, पीकर देख तो लेने दे कैसी बनाई है। इतनी घटिया चाय बनाई है अपनी शक्ल जैसी, ले जाए इसे और दूसरी बना कर ला, काम चोर कहीं के। ठीक है।
माँ खराब कर दी। ये अभी तक जागा क्यों नहीं? अबे तूने रात को ज्यादा डोज तो नहीं दे दी इसे? कहीं मर मरा तो नहीं गया ये? दिमाग खराब है क्या तेरा? तूने ही तो बोला था मुझे, अब मुझ पे क्यों इंजाम लगा रहा है? अबे थोड़ी डोज देने को बोला था, जान लेने को नहीं कहा था? तो सांसें भी नहीं चल रही भाई। सांसें तो चल रही, अस्पताल ले चलते हैं, उठाओ इसको। डॉक्टर को क्या कहेंगे, पकड़े गए तो? अबे तू फिकर मत कर, अगर इसे कुछ हो गया ना तो वो चुड़ैल हमारे पीछे पड़ जाएगी। नहीं भाई नहीं, मैं नहीं जा रहा, तुम लोग जाओ। अबे होशियार ना बन, ये काम हम तीनों के जिम्मे है। अगर पीठ दिखा के भागा ना तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे। चलो उठाओ। अबे सही से उठा। रेहान की खबर ले लूं? फोन है अल्लाह, कहीं डाइनिंग टेबल पर तो नहीं भूल आई? फिर उस बुढ़िया की शक्ल देखनी पड़ेगी। मेरे कमरे में जासूसी की जा रही है। ये मेरा फोन है ना, और ये मेरा कमरा है। आप चली जाएं यहाँ से, ये है रास्ता, जाएं। ये फोन उठाओ। मुझे पता है ये उसी का फोन है जिसके पास रेहान है। इस फोन उठाओ। हाँ, उसी का फोन है, मगर नहीं बताऊंगी कि रेहान कहाँ है। मुझे तो सुने। मैडम, तुम्हारे बच्चे की बहुत तबीयत खराब हो गई है, आंखें नहीं खुल रही उसकी, हम हॉस्पिटल ले जा रहे हैं उसे। कौन से हॉस्पिटल लेकर जा रहे? क्या हुआ है रेहान को? कहाँ है वो? क्या हुआ उसे? ये क्या किया तुमने? हेलो हेलो, ये भी कमाल हो रहा है। तुम लोग लाख कोशिश कर लो, रेहान का पता फिर भी नहीं चलेगा तुम लोगों को। अगर रेहान को कुछ हुआ ना हुई तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, समझे? तुम पागल हो गई हो? मेरा प्लान खराब हुआ तो आग लगा दूंगी इस घर को। पागल औरत, समझ के क्या रखा है मुझे? तो खानदान पागल है। रेहान, मेरा बच्चा कैसा होगा? शकल बिगाड़ दी। शिहान का कैसे पता चलेगा? पागल औरत, फोन तोड़वा दिया। पता नहीं किस हॉस्पिटल में होगा, एक बच्चा नहीं संभाला क्या? पता नहीं किन मनहूसों पे मैंने भरोसा कर लिया। अल्लाह, Thank you.
ओए तू यहां रुक और सब पे नजर रख। हम बच्चे को दिखा के आ रहे हैं। अच्छा चल आ जा, इधर ही खड़ा रहियो। हां डॉक्टर, इसे कुछ हो गया है और ये आंखें भी नहीं खोल रहा। Let me check. इसकी हालत तो ठीक नहीं है, आप कौन है इसके? मामू इस बच्चे का। ठीक है नर्स, इसे फौरी दाखिल करना होगा, इसे लेके चलो, मूव फास्ट। सुना वो डॉक्टर क्या बोल रहा था? वो कह रहा है बच्चे की हालत तश्वीशनाक है, अगर उसे कुछ हो गया ना तो पुलिस हमें नहीं छोड़ेगी और हमारी जमानत करवाने वाला भी कोई नहीं है, सारी जिंदगी चक्की पीसेंगे चक्की। मैं चुप। तो साथ देख, रूही पे भरोसा मत करना, बहुत चालबाज औरत है। जो अपने बच्चे पे रहम नहीं कर सकती साथ, वो हम पे क्या रहम करेगी? तुझे जाना है ना तो जा, जो बुरे वक्त में मेरे साथ ना हो ना तो माल में से भी कोई हिस्सेदार नहीं देता। और वैसे भी हमें यहाँ कोई खतरा नहीं है क्योंकि बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज ही नहीं हुई। और ये बच्चा रूही की अमानत है, जब तक ये बच्चा सही सलामत रूही को नहीं मिलता ना, एक पैसा नहीं मिलेगा हमें, एक पैसा। वो अब बहुत बड़ा गेम खेल रही है, मालकिन बनने वाली है। मालकिन? क्या मालकिन? मैं जानती हूँ इस वक्त आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन आप फिक्र मत करें, मेरी नमल से बात हुई है, उसके अंकल कमिश्नर हैं और उसने अनीशा से कहा है कि उन्होंने सारे हॉस्पिटल्स को हाई अलर्ट कर दिया है। मुमकिन है कि रेहान का हमें एक आध दिन में पता चल जाए, और जब हमें पता चल जाएगा ना तो फिर इस रूही से जान छूट जाएगी हमारी। और नमल ने कहा है कि ये बात घर से बाहर नहीं जाएगी और हमें रेहान भी मिल जाएगा। मैं तो अनीशा के दर्द को दाद देता हूं। सारा सच जानने के बावजूद रेहान को औलाद की तरह चाहती है। वो लाख मुराद से नाराज सही, मगर उसका असर उसने रेहान और अपनी ममता पे नहीं पड़ने दिया। अनीशा ही मां बनकर रेहान की सही परवरिश कर सकती है। अपना वो बेईमान लड़की पर तो मुझे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है।
चलो मान लिया कि पुलिस ने सवाल किया मुझसे कि रेहान कहाँ है, मैं जवाब दे दूंगी, लेकिन उसके बाद के 10 सवालों के जवाब कौन देगा? इतनी हिम्मत है आप में? पुलिस पूछेगी कि वो कौन है, क्या रिश्ता है आपका उससे? रेहान इस दुनिया में कैसे आया, क्या जवाब देंगे? है कोई जवाब? चलो मैं तो बेगैरत, बदलिहाज, बदजुबान, सब कुछ मैं, मेरे लिए जिंदगी गुजारना इतना मुश्किल नहीं होगा। अपने बारे में सोचें, आप लोग इज्जतदार लोग हैं, क्या जवाब देंगी आप सबको?